Kendin lobsteri kapar, değil mi? Kon fon kiya mujhe? Hello, Sukha. Main Lisa bol rahi hu. Ha, batao. Dekho, hum bahut din se date pe nahi gaye. To chalo na, aaj hum date pe jate hain. Hum park mein jayenge, hall mein jayenge, restaurant pe jayenge, bahut sari masti karenge, okay? Nahi, mujhe nahi jana. Tum mere sath aise kyon baat karte ho ab? Pehle to aise nahi the. Mujhe time bhi nahi dete ho. Mere sath kahin par jaate bhi nahi ho. Please, chalo na Yongi. Mujhe tumhare sath kahin par bhi jana nahi hai. Aur mujhe aise Yongi bulana band karo. Wo hak nahi hai tumhara. Mere kuch special person hi mujhe Yongi bula sakta hai. Theek hai, main tumhe Yongi nahi bulaungi, lekin chalo na mere sath ghumne. Maine kaha na nahi. और मुझे डिस्टर्ब मत करो। तुम बहुत गंदे हो। I hate you। तुम मुझे कभी भी नहीं समझते हो। तुम बहुत गंदे हो यंगी। I hate you। Sorry चिमिना। Excuse me। मैं चिमिना नहीं हूँ। अब मुझे समझ आया है तुम्हारा प्रॉब्लम कहाँ पर है। Bye। इसके बाद लिसा कॉल कट कर देती है। मैं क्यों हर वक्त तुम्हें लेके सोचता हूँ? मैं क्यों तुम्हें भूल नहीं पाता हूँ एक पल के लिए भी? मैं तुम्हें फेस करने से इतना क्यों डरता हूँ? क्या करूँ मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा खाना खा ले, देर हो रहा है। हाँ माँ, मैं जा रहा हूँ, चलो। इसके बाद ते और सुखा दोनों भाई बहन मिलके खाना खाता है। वाओ, ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है। यम 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 यम। वाओ, सो टेस्टी माँ। वाओ लाजवाब, बहुत टेस्टी है मम्मा। मम्मा मुझे आपके हाथों से थोड़ा सा खिला दो ना प्लीज। तुम मुझे भी खिला दो मम्मा। नहीं मम्मा उसे मत खिलाओ। नहीं मम्मा उसे ही मत खिलाओ, मुझे खिलाओ। ओके ओके, ऐसे मत झगड़ो, मैं दोनों को ही खिला रही हूँ। मैं ना पूरा जिंदगी ऐसे ही आपके हाथों से खाना चाहता हूँ। लेकिन ये नहीं हो सकता है बेटा, एक दिन ना एक दिन तो मुझे इस धरती को छोड़ कर जाना ही पड़ेगा। माँ, आपने ऐसी बातें कैसे कह लिए? माँ, आपने ये क्या कहा? ये नहीं हो सकता माँ, हम आपको जाने ही नहीं देंगे हमें छोड़ कर। हाँ, हम जाने नहीं देंगे आपको। ओके ओके, सॉरी, मेरी गलती हो गई है, मुझे ऐसी बातें नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब जल्दी करो ते, तुम्हारा ऑफिस है ना? हाँ माँ। इसके बाद ते ऑफिस चली जाती है और सुखा भी किसी काम में बाहर जाता है। थोड़ी देर बाद सुखा घर लौट आता है और देखता है उसकी माँ गिरने ही वाली थी, तो वो दौड़ के जाके उसकी माँ को पकड़ता है। माँ तुम ये क्या कर रही थी, अभी तो गिर जाती ना। खुद का ख्याल रखना चाहिए ना माँ, ऐसे क्यों करती हो? आई थिंक मेरा सिर चकरा गया था, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या तुम्हारा सर चकरा गया था? तुमने पहले क्यों नहीं बताई? चलो अभी डॉक्टर के पास। नहीं नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, थोड़ा सा रेस्ट ले लूंगी तो हो जाएगा। तो अब तक क्यों खड़ी हुई हो, चलो रूम में। इसके बाद सुखा अपनी माँ को उनके रूम में छोड़ के आता है। बहुत देर हो गया है लेकिन मम्मा अभी भी रेस्ट ले रही है। इतनी देर से तो मम्मा कभी भी रेस्ट नहीं लेती है। आई थिंक मुझे जाकर देखना चाहिए मम्मा को। इसके बाद सुगा अपनी मम्मा के रूम में जाता है। माँ तुम ठीक हो तो? तुम्हें क्या कुछ चाहिए माँ? कोई रिस्पांस ना पाके सुगा उसकी माँ के पास जाके देखता है कि उसकी माँ का ब्रीदिंग नहीं हो रहा है। माँ तुम्हें क्या हुआ है? माँ तुम ब्रीथ क्यों नहीं ले रहे? माँ माँ मुझसे बात करो ना माँ। बचपन में जैसे डराती थी मुझे, ऐसा कर दोगे अम्मा? माँ मुझसे बात करो ना, मैं डर गई हूँ। अब तो उठ जाओ, ऐसे मत करो ना माँ। माँ इसके बाद सुगा स्टैचू हो जाता है और बहुत सारे लोग चले आते हैं। थोड़ी देर बाद जब सुगा का होश आता है, दी दी कहाँ पर है? रुको मैं उसे कॉल कर रहा हूँ। इसके बाद वो आदमी ते को कॉल करता है। हेलो ते, सुनो। हाँ
अंकल नमस्ते, आप इतने दिन बाद फोन किए हो, आपको मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ? देखो बात ऐसा है कि हाँ अंकल बताइए, आप ऐसे क्यों हिचकिचा रहे हो? कोई बात नहीं, आप मुझे कंफर्टेबली बताइए। एक्चुअली तुम्हारी माँ और नहीं रहे। क्या आप मेरे साथ ऐसा गंदे मजाक क्यों कर रहे हैं? ये मजाक नहीं है ते। ये सुनने के बाद ते वहाँ पर बेहोश हो जाती है। होश आने के बाद वो थोड़ा सा भी देर ना करके अपनी माँ के पास चली जाती है। माँ माँ मुझसे बात करो ना, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? माँ देखो मुझे तुम्हारे साथ ऐसे नहीं खेलना है, प्लीज उठ जाओ ना। माँ माँ सुगा अपनी माँ की काम खत्म करके घर लौट रहा था। वो खुद पे ही खोया हुआ था, रास्ते में उसका कोई ध्यान ही नहीं था। उसी वक्त सेम रास्ते से जिमिना भी गुजर रही थी, तो वो भी सुगा को ऐसी हालत में देख लेती है। सुगा नहीं जिमिना, जस्ट इग्नोर हिम। लेकिन वो ऐसे क्यों चल रहा है? ऐसे तो कुछ हो भी जा सकता है। ये कहते कहते ही सुगा के सामने एक कार चला आता है, लेकिन तब भी सुगा अपने ख्यालों में ही चल रहा था। सुगा कार आ रहा है, सुगा हटो। इसके बाद सुगा को हो जाता है। जिमिना तो तुम्हें क्या हुआ? जिमिना तुम्हें ब्लीडिंग क्यों हो रहा है? जिमिना इसके बाद सुगा जिमिना को हॉस्पिटल ले जाता है। आधा साइड ते की माँ की डेथ की न्यूज़ सुनने के बाद योनजून ते को बेहोश करके उसके साथ उठा के ले जाता है, और ये सब कुछ जंगकुक का एक फ्रेंड देख लेती है। हेलो जंगकुक, ते को अभी योनजून उठा के ले गया है, उसे बचाओ जंगकुक। क्या? लेकिन कैसे? आंटी और सुगा कहाँ है? तुम्हें नहीं पता? आंटी का डेथ हो चुका है और सुगा उनके काम करने ही गया है। What? मैं अभी जा रहा हूँ ते को बचाने। इसके बाद शेके ते को लाने के लिए निकल पड़ता है और योनजून के डेरा में चला जाता है। योनजून ते कहाँ पर है? मैं उसे लाने आया हूँ। ओहो शेके, अपने जीजा जी से कोई ऐसे बात करता है? देख योनजून, मैं अब मस्ती करने के मूड में नहीं हूँ। तुझे लग रहा है कि मैं मस्ती करने के मूड में हूँ? जेके तो बिना कैसे मान लिया, रातों के भूत बातों में मान जाएगा। तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ मेरे मेहमान का तो थोड़ा खातिरदारी करो। इसके बाद जेके ते को ढूंढ के उसे ले जाता है। ते इतनी देर से बेहोश पड़ी हुई थी और उसका बहुत ज्यादा फीवर भी आया हुआ था। ते के घर में कोई भी नहीं था, इसलिए जंगकुक ते के पास ही रुकने का डिसीजन लेता है। जब जेके ते के रूम में मेडिसिन ढूंढ रहा था, तब उसे एक पेपर मिलता है। ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं है, ये कभी भी नहीं हो सकता है। क्या है इस पेपर में? क्यों जेके इतना शॉक हुआ? और उधर सुगा कैसा रिएक्शन देगा जिमिना के साथ जानने के बाद? क्या होगा देखो कैन मीन लव स्टोरी, ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। यहाँ पर मैं हॉबी का लव स्टोरी दिखा दूंगी, लेकिन नेक्स्ट स्टोरी में हॉबी का कोई लव स्टोरी नहीं दिखाऊंगी। मुझे इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सांगा, बाय बाय।